उत्तराखंड मंत्रिमंडल की उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज होने वाली है और इस बैठक में कई प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जाएंगे। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कैबिनेट की इस बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारी है और कौन कौन से वो फैसले हैं जो इस बैठक में लिए जा सकते हैं? जी नासिर, कब शुरू हो जाएगी कैबिनेट की बैठक? देखिए, अब से आधे घंटे के बाद यानी 1 बजे करीब कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल होने वाले हैं। अध्यक्षता में बैठक होगी, बहुत महत्वपूर्ण इसमें निर्णय लेने जाने हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सत्रावसान हुआ था और बजट सत्र आना है। बजट सत्र को लेकर के बहुत सारे फैसले लिए जा सकते हैं कि बजट सत्र कहाँ होगा और इसमें क्या कुछ चीजें आ सकती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, क्योंकि अब वर्ष खत्म हो रहा है और मार्च से पहले पहले बजट आना जरूरी है। तो ऐसे में बजट सत्र को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां चल रही है ताकि समय पर बजट पास करा लिया जाए, और इसको लेकर के बजट सत्र में क्या कुछ चीजें आने वाली है तमाम चीजों को लेकर के आज इस कैबिनेट को बुलाया गया है। इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। इसके अलावा आबकारी नीति का जो इश्यू है वो लगातार लंबे समय से चल रहा है और आबकारी नीति नहीं होने की वजह से बहुत नुकसान कहने के आबकारी विभाग को हो रहा था। आबकारी नीति पर भी आज मोहर लग सकती है, ये एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 बार भी चर्चा हुई लेकिन आबकारी नीति पर फैसला नहीं हो पाया था। इस आज की कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा कई विभागों से संबंधित मामले भी इसमें आ सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि राज्य सरकार लगातार बहुत सारे काम काज कर रही है और बहुत सारा जो मार्च से पहले जो बजट का काम होता है उस पर फोकस किया जाना है, उसमें भी कई महत्वपूर्ण फैसले अलग अलग विभागों को लेकर के लिए जा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से अब आने वाले वक्त में लोकसभा की भी तैयारी है और दूसरी तरफ बहुत से विकास कार्यों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आज एक और जगह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन करेंगे, तो इन तमाम चीजों को लेकर उत्तराखंड में जो विकास की बात होती है उस पर क्या बात है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार विकास हो रहा है। कल भी एक बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया था, केंद्रीय मंत्री और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज भी जो लगातार जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया जा रहा है, उसमें नई बिल्डिंगें बन रही है, एक नई भवन का उद्घाटन भी आज किया जा रहा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर। तो ये विकास कार्य लगातार हो रहे हैं और इनको लेकर के जो बजट की आवश्यकता होती है और बजट कितना पैसा कहाँ कहाँ पर लगना है, इसको लेकर के क्या व्यवस्था की जा सकती है, बजट कहाँ से व्यवस्थित होगा, इन तमाम चीजों को लेकर के भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। और धामी सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य समय पर हो सके, क्योंकि मार्च का महीना आ रहा है और मार्च के महीने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर सही समय पर बजट तय नहीं हो पाता है तो जो लोगों के बिल्स होते हैं वो रुक जाते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक इसीलिए बुलाई गई है कि ताकि बजट से पहले विभागों के साथ चर्चा करके किन किन विभाग में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो और उन पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सके। नासिर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए नासिर।